नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित सिंह है और विज्ञान के ज्ञान चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अब बोर्ड के एग्ज़ाम में बस कुछ दिन ही रह गए हैं, प्रैक्टिकल की डेट आ चुकी है और ऐसे में प्रैक्टिकल का डेट आना यानी कि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब मैं हमारे पास लगभग 50 दिन बचे हुए हैं। इन 50 दिनों में हम अपने आप को कैसे तैयार करें और किसी चैप्टर को हम कैसे समझें, उसकी थीम को कैसे समझें, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न उठेंगे आपके, जैसे आज मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको, तो कमेंट सेक्शन में आ करके आप ज़रूर मुझे बताएंगे कि सर मेरा ये क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े ताकि मैं आपके लिए ढेर सारी वीडियो बनाता रहूँ। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि समय रात के 12:40 हो चुके हैं और रात के 12:40 पे जब कोई व्यक्ति आपके साथ जग रहा है तो उसका सिर्फ एक सपना है। फ्रेंड्स, ये तो हम नहीं जानते हैं कि ज़िंदगी कितने दिन की है, हम में से कोई नहीं जानता है, लेकिन ये वीडियो बनाने का एकमात्र मकसद ये है कि मैं आपके इस सफ़र में, जो कि CBSE बोर्ड 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, मैं उसका साथी बन सकूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि चैप्टर का हेडिंग आप देख पा रहे हैं, ये चैप्टर है लाइव प्रोसेस। फ्रेंड्स, 22-23 इसमें इसलिए लिखा हुआ कि ये 22-23 सेशन का है और हम लोग इसमें देखिए कंटेंट का आउटलाइन पे हम लोग चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मेन जो हमारा फोकस होगा वो होगा कि हम न्यूट्रिशन को जानेंगे, ट्रांसपोर्टेशन को जानेंगे, मेटाबॉलिज्म क्या होती है जानेंगे, रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन पे एक सेपरेट चैप्टर है, लेकिन लाइफ प्रोसेस से इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके हम जानने की कोशिश करेंगे और काफ़ी हद तक इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस एकमात्र स्लाइड से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो को, क्योंकि हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब आप हमें प्यार देंगे और सपोर्ट देंगे और हमारा एक YouTube पे एक हमारे स्टूडेंट्स और हम मिल करके एक बहुत बड़ा सा परिवार बनाएंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि सभी लोगों का सपना होता है कि YouTube पे आ करके हम कामयाब होंगे, तो हम लोग भी प्राइवेट टीचर्स हैं, कोचिंग ट्यूशन पढ़ा करके जीवन यापन करते हैं और YouTube को एकमात्र साधन मानते हैं कि जिससे हम अपनी शिक्षा को, अपने टैलेंट को, अपनी मतलब जो इच्छाएँ हैं या अपनी जो आकांक्षाएँ हैं वो सब तक पहुँचा सकें। तो आइए मिल करके सफ़र की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, पहला जो आपके पास स्लाइड आ रहा है, इस स्लाइड में हम लोग देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जैसे कि लाइफ प्रोसेस को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ दीज आर दोज प्रोसेसेस व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कीप देम अलाइव एंड एक्टिव। अर्थात फ्रेंड्स, इस समय मैं आपके सामने अपनी लाइफ है, इसी वजह से मैं आपके सामने लिविंग हूँ, एक्टिव हूँ, अलाइव हूँ और आपके सामने में जो भी मैं टीचिंग का काम करूँ या जो भी काम कर रहा हूँ आपके सामने कर पा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के प्रत्येक जीव के द्वारा, प्रत्येक जीव जंतु के द्वारा, प्रत्येक लिविंग थिंग के द्वारा की गई वो सारी एक्टिविटी, सारे वो फंक्शंस जिसके ज़रिए वो ज़िंदा रहता है और सक्रिय रहता है, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, बच्चों आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स वही होते हैं जो बेसिकली एक सेल से बने होते हैं, जिनके पास बहुत स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गन्स नहीं होती हैं, मतलब जिनके पास सिर्फ एक सेल होगा तो जाहिर सी बात है कि उनके पास उतनी स्पेशलाइज चीज़ें नहीं होंगी। और उस एक सिंगल सेल के द्वारा की गई प्रोसेस जिससे कि वो जीवित रहता है और जितने भी जीव इस दुनिया में हैं, जितने भी लिविंग बॉडी इस दुनिया में हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, तो कुछ प्रोसेस करके ही वो जीवित रहती हैं और इन्हीं प्रोसेसेस को हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर हो गया। अब चलिए, मल्टी सेलुलर का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं और जाहिर सी बात है बहुत सारे सेल्स होने की वजह से हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, हमारा एक अपना बॉडी को जीवित रखने का
बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस है, उन्हीं प्रोसेसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ 7 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं जिसके जरिए हम अपने आप को जीवित और एक्टिव मानते हैं। जैसे कि मूवमेंट, अभी इस समय मैं आपके सामने हाथ हिला रहा हूँ या मैं काम कर रहा हूँ, ये क्या है? ये मूवमेंट मतलब मैं यहाँ से उठ के जाऊँ, चलूँ, अपने हाथ हिलाऊँ, पैर हिलाऊँ, काम करूँ, खाना बनाऊँ, खाना खाऊँ, वीडियोज़ बनाऊँ, जो भी करूँ, ये मूवमेंट है। रिप्रोडक्शन मतलब कि जीवन में जैसे हम हैं और हम अपने इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के ज़रिए अपनी प्रजाति को जिंदा रख सकते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे ही जीवों को दुनिया में सबके सामने लेकर के आना, ताकि हमारी यह जो प्रजाति है, मानव प्रजाति है, वह बनी रहे। सेंसिटिविटी संवेदनशीलता, संवेदनशीलता जैसे हम बहुत तेज़ रोशनी से हमें संवेदनशीलता होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी से संवेदनशीलता होती है, सेंसिटिविटी जिसका मतलब होता है, किसी को ठंडे पानी से सेंसिटिविटी होती है, किसी को गर्म पानी से सेंसिटिविटी होती है। हम जिन चीज़ों के प्रति हमारे जो हमारे लिए स्टिमुलस होते हैं और जिसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब न्यूट्रिशन की बात करें, हमारे द्वारा लिया गया भोजन और जिस भोजन से हम पोषण लेते हैं और उस पोषण से हम अपने शरीर को ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं उसका बेसिक फंडा यही होता है कि उससे हमारे शरीर की सभी सेल्स को एनर्जी मिल सके और हमारा सारा प्रोसेस हो सके। एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी की वो तमाम अनवांटेड चीज़ें जिसको हमारी बॉडी में रखने से हमारी बॉडी को नुकसान पहुँच सकती है, उसके लिए हमारी बॉडी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स यानी कि विशिष्ट प्रकार के अंगों के द्वारा शरीर से उन मतलब ऐसी चीज़ें जो अनवांटेड हैं उसको हमारी बॉडी से अलग कर देना, ठीक है? तो हम एक्सक्रीट करते हैं, हम अपने बॉडी से अनवांटेड चीज़ों को निकाल देते हैं। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का सीधा सीधा मतलब है जो भोजन हमने लिया है उसको ऑक्सीजन की मदद से उसको तोड़ देना, ताकि भोजन जब टूटेगा हमारे शरीर में तभी हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलेगी, हमारे सेल्स को एनर्जी मिलेगी और ग्रोथ यानी कि बढ़ना। अब देखिए फ्रेंड्स, मतलब बेसिकली इसको लाइफ प्रोसेस के तौर पे हम नहीं कह रहे हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब बहुत साफ साफ है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक प्रोसेस का एक हिस्सा है। अब देखते हैं हम लोग आगे। फ्रेंड्स देखिए, मेटाबॉलिज्म समझते हैं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसपे तमाम बच्चे बराबर पूछते रहते हैं कि सर आप ये बताइए कि मेटाबॉलिज्म को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू द केमिकल प्रोसेस बाय विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस गेट इन्वॉल्व। अर्थात मेटाबॉलिज्म उन सभी केमिकल प्रोसेसेस को कहते हैं जिसके जरिए हमारे शरीर के अंदर में जो लिविंग स्टेट ऑफ सेल्स हैं, मतलब जो हमारे जीवित सेल्स हैं, हमारे हम सभी जीवों के अंदर में जो जीवित सेल्स हैं उनके अंदर में तमाम केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब वो मेटाबॉलिज्म क्यों होती है कि कुछ ऐसी होती है जो हमें ऊर्जा देने के लिए होती है और कुछ में हमारी शरीर की ऊर्जा या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ली जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर यह डायग्राम साफ साफ दिखा रहा है कि यहाँ पर एक कोई फूड का मॉलिक्यूल है और प्लस एटीपी है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये चीज़ें जोड़ कर एनाबॉलिज्म यानी कि यहाँ पे ये हमारी बिल्डिंग हो रही है, सेल बिल्ड हो रहा है, यहाँ पर सेल बिल्ड होते हैं यानी कि बिल्डिंग ऑफ सेल्स। अब यहाँ पर जब कैटाबॉलिक की बात होती है तो कैटाबॉलिक में होता है क्या कि जो सेल्स बनी हुई हैं, जो चीज़ें हैं वो टूट जाती हैं हमें ऊर्जा देने के लिए, ठीक है? तो ये हमारा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हो गया। जब एनाबॉलिज्म यानी कि बिल्डिंग ऑफ सेल्स और कैटाबॉलिज्म जब ब्रेकिंग ऑफ सेल्स दोनों आपस में जुड़ जाती हैं तो कमांडली इसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, क्योंकि दोनों ही एक तरह की केमिकल रिएक्शंस। अब आते हैं हम लोग न्यूट्रिशन पे। फ्रेंड्स द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके जरिए हम लोग भोजन लेते हैं जो हमारे नरिशमेंट यानी कि हमारे पोषण के लिए और सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म यानी कि हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोग पोषण वगैरह लेते हैं भोजन से, उसे हम पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अच्छा, अब ये दो प्रकार की हैं बेसिकली, मतलब मेन मोड होता है ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है कि जिसमें हम, आप देखिए जैसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक की बात करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अगर हम लोग इसको सरल भाषा में कहें, अगर हम लोग सरल भाषा में इसको कहें तो ये हम लोग कह सकते हैं कि वो न्यूट्रिशन होता है, ये वो न्यूट्रिशन
है जो कि हम इसी पे आश्रित ना, किसी पे आश्रित ना हो। आश्रित ना होने का मतलब क्या है कि जैसे हम सभी जीव जो हैं, हम कहीं ना कहीं पौधों पे आश्रित हैं, पशुओं पे आश्रित हैं अपने भोजन के लिए। लेकिन ये जो ऑटोट्रॉपिक का कॉन्सेप्ट होता है, ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें ऑटो मतलब होता है सेल्फ एंड फीडिंग, ये दो वर्ड से बना है। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद को सेल्फ फीड करे, मतलब अपने आप से फीड करे, यानी कि प्लांट्स। अच्छा ठीक है, अब देखिए ये स्लाइड हमको दिखा रहा है कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को मतलब पोषण स्वयं से दे रहा है, जो अब अपना खाना स्वयं बना रहा है, जिसमें से कि वो सनलाइट का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम केमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत लेते हैं। खैर अब देखिए, कुछ जो हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं, मैक्सिमम वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। और इसी लाइट एनर्जी से वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, और जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ऐसे जीव जो सूर्य की ऊर्जा को यानी कि सन की लाइट को इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट, फ्यू बैक्टीरिया यूज केमिकल्स टू डिराइव एनर्जी। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उससे वो ऊर्जा प्राप्त कर सके, उन्हें हम केमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस बोर्ड के लिहाज से भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार का होता है। वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा। मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि इस चैप्टर से आपको मैक्सिमम मैक्सिमम वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक सिंगल वीडियो में दे सकूं। खैर देखिए, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, बाई विच फोटोट्रॉप्स यानी कि जिससे जो प्रकाश से भोजन का मतलब प्रकाश से भोजन बनाने वाले जीव होते हैं, जो सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करते हैं कि सन की लाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो बाद में फ्यूल सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, मतलब सेल के जो एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए यूज होता है। जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा भी है कि एनर्जी न क्रिएट होता है न एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय होती है। तो डेफिनेटली अगर एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है और अगर एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, तो अब एनर्जी अपने रूप को बदलती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। यानी कि सनलाइट को जब ये मान लीजिए कि कोई प्लांट है और वो धूप को देख रहा है, तो धूप को अपने अंदर सोख लेगा, अवशोषित करेगा, उसके पत्तों के अंदर में, हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि क्लोरोफिल होता है, वो एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है और वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और बाद में उससे भोजन बनाया जाता है। ये पूरी प्रोसेस पे हम लोग जिक्र करते रहेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जो मैं आपको बताने चलूंगा, जैसे कि फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं और इस बार तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी क्वेश्चन होगा, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सहयोग से, अगर अच्छा रहा तो मैं सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा कि कितनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए। खैर नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए, तो ये क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी यूज होता है किस फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में, और वो किससे क्रिएट होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओवरऑल अगर हम आपसे बताएं तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये मतलब फोटोसिंथेसिस होता है उसमें लाइट एनर्जी का इस्तेमाल होता है, वाटर का इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके डेफिनेटली पौधे जो होते हैं वो अपने आप को योग्य पाते हैं भोजन बनाने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, ये प्रोसेस कहाँ कर होता है, ध्यान से देखिएगा। ये एक पौधा आपके सामने आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सनलाइट इधर अंदर की तरफ जा रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ जा रहा है और ये वाटर रूट्स की तरफ है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप पत्ते भी देख रहे हैं, फ्लावर देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं इस पत्ते से इधर ऑक्सीजन निकलते हुए और इधर शुगर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसा है
कि ये जो शुगर लिखा हुआ था इसको आप कंफ्यूज ना हो कि पत्ते में से शुगर फेंकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बेसिकली ये आपको जानकारी के लिए है और इसको आप अच्छे से समझें और जानें इसके लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि सूर्य की ऊर्जा भी ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहा है और वाटर भी ले रहा है, और बदले में ये कंबाइंडली सारे जब रिएक्शन होते हैं तो इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स की और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि पौधे क्यों कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्यों ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल बेसिकली, जैसे देखिए सनलाइट उसने लिया, उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अगर हम कुछ खा लें और अगर हम सांस ना लें तो क्या होगा, हम मर जाएंगे, सबसे बड़ी चीज़ है। और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है, ताकि वो ब्रेक डाउन करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर जा करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में मदद करता है, वही कार्बोहाइड्रेट्स जो उनका भोजन है और बाद में हमारा भी भोजन बन जाती है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ होता है। तो देखिए ये लाइन है कि क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑल ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट इंक्लूडिंग ग्रीन स्टेम, ग्रीन लीफ, सेपल्स, फ्लोरल पार्ट कंप्राइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर प्लास्टिड्स। मतलब कहने का मतलब है कि पौधे में जितने भी हरे अंग हैं, जैसे उसके हरे पत्ते हैं, हरा उसका तना है यानी कि स्टेम है, उसकी पंखुड़ियाँ, जितने भी हरे रंग की चीज़ें हैं उन सब में कहीं ना कहीं क्लोरोफिल आपका मौजूद होता है। और वो क्लोरोफिल मतलब जो कि आप जाहिर सी बात है कि वो क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत ही आएगा, तो वो हमारी मदद करता है, मतलब पौधों की मदद करता है फोटोसिंथेसिस करने में। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये सेल्स, सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और ये जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, उनके मीजोफिल सेल्स में होती हैं। तो यहाँ पे ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि दीज क्लोरोप्लास्ट या सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, यानी कि जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वेर इज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, तो आप बोलेंगे इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। एंड डेफिनेटली अगर आपसे पूछता है कि इसका लोकेशन क्या है, कि ये कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलेंगे पत्तों के मीजोफिल सेल्स में। नेक्स्ट, अगला स्लाइड कहता है कि कौन कौन सी चीज़ें, जाहिर सी बात है। अच्छा एक बात बताइए फ्रेंड्स, जैसे बच्चों आप भी अपने डेली लाइफ में इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे घर में मम्मी खाना बना रही हैं, या आप स्वयं भी अगर खाना बनाते हो, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, तो ऐसे में आपको मतलब खाना बनाने की प्रोसेस के लिए आपको सारी चीज़ें हैं आपके पास, मान लीजिए गैस है, आपके पास बर्तन है, आपके पास सारी ग्रॉसरी है, सारा सामान है, सब कुछ है, एक्स वाई जेड कोई कमी नहीं है। लेकिन आप खाना बनाने की प्रक्रिया जब शुरू करते हैं तो क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो प्रभावित करती हैं। तो फोटोसिंथेसिस भी एक प्रकार से क्या है, खाना ही बनाते हैं पौधे अपने लिए, तो इस खाना बनाने की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें उनको बाधित करती हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें रोकती हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, बच्चों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रिक्वायर्स सेवरल फैक्टर्स सच एज लाइट इंटेंसिटी, इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी रिजल्ट इन अ हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑन द अदर हैंड लोअर लाइट इंटेंसिटी इन अ लोअर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसका मतलब ये भी समझिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि हम जब मम्मी हमारी किचन में काम करती हैं या जब खाना बनाने की प्रक्रिया करती हैं, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किचन में लाइट जल रही है और अगर उसकी इंटेंसिटी अच्छी है तो चीज़ें उनको सब कुछ साफ साफ दिख रही है, तो चीज़ें अरेंज करके अच्छे से वो बना रही है। और अगर ये लाइट की इंटेंसिटी बहुत लो हो जाए तो अंधेरे में वो कहाँ हल्दी ढूंढेंगी, कहाँ नमक ढूंढेंगी, कहाँ मसाले ढूंढेंगी, कहाँ सब्जी ढूंढेंगी। तो उसी प्रकार से लाइट की इंटेंसिटी जब अच्छी रहती है तो इससे फोटोसिंथेसिस का रेट अच्छा रहता है, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया फास्ट होती है। जबकि अगर लोअर लाइट हो, लो इंटेंसिटी हो लाइट की, बिल्कुल मध्यम, जैसे हम कहें एकदम सुबह में 5 बजे से पहले का वक्त या शाम में 6 बजे के बाद का वक्त, इस समय जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी लो होती है और इस वक्त में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लगभग ना के बराबर हो जाता है। अब दूसरा, ठीक उसी प्रकार से जैसे पौधों को लाइट इंटेंसिटी की बात आई, अगला जो टॉपिक है वो ये बताता है, मतलब टॉपिक इसी में अगला पॉइंट हमें बताता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। अच्छा एक बात बताइए फ्रेंड्स, कभी आपने देखा होगा कि जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हवा या ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ हमारा दम घुटता है, और जिससे कि हमारी बॉडी एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करती है, हमारे शरीर करने का जो तरीका होता है वो कुछ अलग हो जाता है और हम काफ़ी थके हारे से महसूस करते हैं और हमें एनर्जी जैसी महसूस नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि लाइट के बाद जो CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ये भी बहुत हद तक
मतलब जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके रेट को बढ़ाने का काम करता है। माना जाता है कि जो 300 से लेके 400 ppm पेपर मिलियन इज एडिक्वेट फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर 300 टू 400 ppm CO2 अगर रेंज में है तो फोटोसिंथेसिस को वो अपनी मदद करेगा, अगर उससे नीचे जाता है तो दिक्कतें आ सकती हैं पौधे को। अगला चीज, टेम्परेचर फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ टेम्परेचर रेंज बिटवीन 25 टू 35, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान होता है इसमें पौधे जो होते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि ये वो तापमान, आप सिंपल आप ही से पूछा जाए कि किस टेम्परेचर पे आप सबसे अच्छा काम करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली बोलेंगे ये अक्टूबर नवंबर का महीना या फरवरी मार्च का। क्यों पूछा जाएगा आपसे क्यों ऐसा, तो आप बोलेंगे क्योंकि उस समय ना बहुत गर्मी रहती है ना बहुत ठंडी रहती है, टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। उसी प्रकार से पौधों को भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक ऐसे टेम्परेचर रेंज की ज़रूरत पड़ती है जिस रेंज में वो आराम से काम कर सके। अरे गर्म होने पर तो सारे आपको पता है कि मशीन तक बंद हो जाती है, तो हम तो भी इंसान और पौधों की क्या औकात है। वाटर की बात करें, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसकी डिफिशियंसी से मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक है वो कम हो जाएगा, मतलब पानी की अगर कमी हुई तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से नहीं ले पाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं आप और स्कार्सिटी की बात करें, अगर ये स्कार्सिटी रह गई तो ये पौधों को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाएगी। पानी की कमी होने से उसकी जड़ें सूख जाएंगी। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको पानी ना मिले तो आप क्या कहेंगे, तो कहेंगे हमारा गला सूख जाएगा, हमें बेचैनी होने लगेगी, दम घुटने, बहुत सारी चीज़ें कि मतलब पानी की तकलीफ से बहुत सारी चीज़ें। उसी प्रकार से पौधों के भी साथ है, कह रहा है द स्कार्सिटी ऑफ वाटर लीड्स टू द रिफ्यूजल ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग टू रिटेन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट दे हैव स्टोर्ड इन। जाहिर सी बात है कि ये पानी की जब मात्रा जब कम होगी तो कहीं ना कहीं स्टोमेटल जो ओपनिंग होगा उसका रिफ्यूजल होगा, जिससे कि पानी की एक निश्चित मात्रा उसके अंदर नहीं रहेगी। और जाहिर सी बात है कि जब वो पानी अधिक होता है तो ओपनिंग ओपन करके वो चीज़ों को डिफ्यूज कर देगा, एटमोसफेयर में बैक कर देगा, लेकिन अगर वही पानी उसके अंदर में कमी है तो कहीं ना कहीं स्टोमेटा का जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो भी प्रभावित हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आते हैं पोल्यूशन की बात करते हैं। आज हमारे आसपास में चारों ओर फ्रेंड्स बहुत सारे पोल्यूशन की बात करें, तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर एकदम बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ कि आप एक काम करिए कि अपने घर में एक पौधा है उसको ओपन एरिया में छत पे या कहीं ऐसे टेरेस में छोड़ दिए जहाँ चारों ओर से गाड़ी वाड़ी आ रही है, रोड पे सड़क पर से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरे उस पौधे को रखिए कि जिसको पूरा प्रॉपर धूप दे रहे हैं और फिर उसको एक शेडिंग मिल जा रही है और थोड़ा सा जहाँ पर है वहाँ पोल्यूशन कम है, और आपसे पूछा जाए कि दोनों में से कौन सी चीज़ें, कौन सा प्लांट ज़्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर रहा, तो आपका जवाब होगा कि सर जो पोल्यूशन लेस एरिया में है डेफिनेटली वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के रेट अच्छी देखी गई। अब इसको और भी सरल तरीके से कहें, अगर मम्मा किचन में घुसती हैं, हमारी माता जी अगर हमारी माँ किचन में अगर एंटर करती हैं और किचन में चारों ओर गंदे गंदे सारे सामान बर्तन वर्तन सब बिखरे पड़े हों, गंदगी हो, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या वो अच्छे से खाना बना पाएंगी, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये फैक्टर है एक प्रकार से, क्योंकि बर्तन साफ होना ज़रूरी है खाना बनाने के लिए, कहीं ना कहीं उनकी स्पीड को इफेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स ये फैक्टर्स हैं, आप एक लाइन में इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, पानी और प्रदूषण, ये पांच चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं पौधों को फोटोसिंथेसिस के फैक्टर को इफेक्ट करती हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा स्टोमेटा। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन देखा गया है, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा जो ओपन और क्लोज है इसकी लेबलिंग आप बहुत अच्छे से देख लेंगे, जैसे ये एरिया आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये आप ग्रीन ग्रीन करके आप डॉट्स जो देख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, यही क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। इसके बाद ये येलो हिस्सा देख रहे हैं वैक्यूल है, यहाँ पे चीज़ें स्टोर होती हैं। उसके बाद गार्ड सेल है, गार्ड सेल का काम क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करते हैं। जिस प्रकार से हमारे घर या हमारे ऑफिस में या हमारे जो भी सोसाइटी होती है वहाँ पे गार्ड होते हैं, तो उनका काम क्या होता है कि वो मतलब सुरक्षा करते हैं, तो गार्ड सेल ही है जो स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग करता है। और नेक्स्ट है सेल वॉल है, तो प्लांट की बात हो रही तो डेफिनेटली प्लांट के पास सेल वॉल होता है जो कि हम ह्यूमंस में नहीं होता। अब ये क्लोज स्टोमेटा है और ये ओपन स्टोमेटा है, अगर इसमें कुछ अंतर है तो सिर्फ इतना कि ओपन स्टोमेटा चीज़ों को अलाउ करेगा अंदर बाहर जाने के लिए और क्लोज स्टोमेटा पैक हो जाएगा चीज़ों को लेकर के। नेक्स्ट फ्रेंड्स
सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात करें, क्योंकि अब हम लोग जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जैसे ही खत्म होता है तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कौन सा न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो बट गया है वो तीन भागों में बटा है, जिसमें से कि सेप्रोफाइटिक, होलोजाइक एंड पैरासाइटिक, ये तीन प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। सेप्रोफाइटिक कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मरी हुई चीज़ें, सड़ी हुई चीज़ें, इन चीज़ों को खा करके अपना पोषण प्राप्त करती हैं, जिन्हें हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सड़ी गली चीज़ों पर, मृत चीज़ों पर अपने भोजन के लिए आश्रित हैं, ऐसे प्रकार के न्यूट्रिशन को ही हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि दोज ऑर्गेनिज्म हु आर डिपेंड ऑन डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर फूड, दे आर नोन एज सेप्रोफाइटिक न्यूट्र सॉरी दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी, देन इट इज एब्जॉर्ब्ड। मतलब इसमें क्या होता है कि सेप्रोफाइटिक में मतलब बॉडी के आउटसाइड ही कुछ हिस्सा उस सड़ी गली चीज़ों का डाइजेस्ट किया जाता है और फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, किसके द्वारा, सेप्रोफाइट्स। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे फंजाई हैं, कुछ लोग फंगी भी पढ़ते हैं, वो कोई इशू नहीं है, आप जैसा भी उच्चारण करें। सेप्रोफाइटिक के बाद फ्रेंड्स ये आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब होता है कि मतलब जैसे हमारे समाज में कुछ हमारे ऐसे मित्र दोस्त भी होते हैं कि जो कि वो चाहते हैं कि बस हम काम करें और हम पैसे लाएं, चीज़ें अरेंज करें और हम उनको खिलाएं पिलाएं, घुमाएं फिराएं। तो वो क्या है कि वो अपनी एक्सपेंस के लिए हम पर डिपेंड करते हैं, और क्या होता है कि एक तरह से इंटर्न कहीं ना कहीं वो हमको हार्म भी कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो काम करेंगे नहीं और हम पे डिपेंड रहेंगे। तो जो हमारे पास पैसे हैं उन पैसों को हम जब दूसरों पे मतलब अनवांटेड तरीके से खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा अपना आर्थिक एक नुकसान होगा। उसी प्रकार से ये जो पैरासाइट्स होते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह करके या बॉडी के अंदर रह के या बॉडी के बाहर रह करके अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, और बदले में क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। फ्रेंड्स अगला, दीज ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द बॉडी और इन द बॉडी ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। आप देखिए होस्ट क्या है, जिसकी बॉडी में वो गए वो होस्ट है, मतलब मेहमान और मेजबान। तो यहाँ पे मेहमान वो पैरासाइट है और मेजबान हमारा शरीर है, जिसके अंदर वो रह करके अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे। और कहीं ना कहीं जब वो हमारे अंदर या बाहर रह करके हमारे में से न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे डायग्राम में दो चीज़ें दिख रही, इंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट। देखिए इंडो इंडो पैरासाइट मतलब जो अंदर रहती है, एक्टो पैरासाइट जो बाहर रहते। अब देखिए लीच की बात करें तो वो एक्टो है, लीच जो होता है वो एक्टो पैरासाइट है। बेस्ट एग्जाम्पल लीच ले लीजिए, या फिर ये आपके लाइस होते हैं, मतलब जुए वगैरह, ये बॉडी। अब जैसे हमारे सर हो गए, मान लीजिए मेरे सर नहीं, किसी के भी सर में अगर जुए हैं तो वो एक प्रकार से एक्टो पैरासाइट हैं। उसके बाद मॉस्किटो एक्टो पैरासाइट है, वो हमें खून चूस रहे हैं, उससे अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं। जोंक यानी कि लीच, ये सब एक्टो पैरासाइट है। और एस्कैरिस की बात करें, अगर एस्कैरिस जो होती है वो इंडो पैरासाइट, यानी हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और कहीं ना कहीं हमें अंदर में रह करके हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाते हैं। और फ्रेंड्स अगर पैरासाइटिक प्लांट की बात करें तो कसकटा, जिसको हम लोग अमर बेल भी कहते हैं। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अभी हाल फिलहाल में केबीसी के एक एपिसोड में कसकटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और अमर बेल ऑप्शन में था, तो इसका नाम अमर बेल भी है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इंडो पैरासाइट एक्टो पैरासाइट को एक्सप्लेन करने के लिए, सैंपल देने के लिए, या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करने के लिए। आइए बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा की। फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि जो अमीबा है वो एक प्रकार से हमारे ही तरह होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है? होलोजोइक का मतलब होता है हम किसी चीज़ को जब अपने बॉडी के अंदर ले लें, इनगल्फ कर लें, निगल जाएं और उसके बाद उससे हम पोषण प्राप्त करें, ऐसे जीवों को हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले जीव कहते हैं। जैसे हम क्या करेंगे कि हमको, अब जैसे हमें बिस्किट लेना था, हम क्या बिस्किट खाना है, क्या करेंगे, बिस्किट मुँह में लेंगे, अंदर निगल जाएंगे। अब बिस्किट जैसे ही हमारे अंदर गया तो बिस्किट फिर उसके सारी चीजें टूटेंगी और कहीं ना कहीं बिस्किट से मिलने वाली जो भी ऊर्जा वो हमें प्राप्त होगी। उसी प्रकार से अमीबा की बात करते हैं। सबसे पहला अमीबा है, तो अमीबा शुरुआत करते हैं। और अमीबा क्या करता है कि इसका आप एक डायग्राम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि ये फूड है और
यहाँ पे सुडोपोडिया, सुडोपोडिया को फॉल्स फिट भी कहा जाता है, और इससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सुडोपोडिया इज ऑल्सो नोन एज, तो कहीं ना कहीं उसका आप फॉल्स फिट लिखेंगे। और ये एक तरह से प्रोजेक्शन नुमा होता है फ्रेंड्स, और जैसे ये पूरे अमीबा की कोई स्पेशलाइज तो स्ट्रक्चर होती नहीं, तो कहीं से ऐसे प्रोजेक्शन टाइप का बनता है और किसी फूड आइटम को ऐसे कैच कर लेता है, ऐसे कैच करता है, और कैच करने के बाद क्या करता है उसको अपने अंदर में, अपनी बॉडी के अंदर में ले लेता है। और फिर बाद में जाहिर सी बात है कि जब बॉडी के अंदर में उसने ले लिया है, तो उस पर कुछ केमिकल एंजाइम्स के एक्शन होते हैं, जिससे वो चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती है, एब्जॉर्ब होती है, एसिमिलेट हो जाती है, और फाइनली वो एडजस्ट हो जाती है। और एक एक करके हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अब देखिए, जब आपसे पूछा जा सकता है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज फैगोसाइटोसिस, तो फैगोसाइटोसिस का मतलब है फ्रेंड कि जब हम किसी फूड पार्टिकल को लें और उसको हम निगल जाएं, घोंट जाएं, तो उसे हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। द इनगल्फ फूड देन गेट इनक्लोज्ड इन अ फूड वैक्यूल, उसके बाद क्या होगा कि जो इनगल्फ किया है उस अमीबा ने उस फूड को, वो फूड वैक्यूल में पैक हो जाएगा। और फूड वैक्यूल, एज द फूड वैक्यूल पासेस थ्रू द साइटोप्लाज्म, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन टेक्स प्लेस। तो जाहिर सी बात है कि ये साइटोप्लाज्म से पास होगा, तो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन, ये तीनों प्रक्रियाएं जो होती हैं वो उसमें होंगी। When the food vacuole open to outside, जब food vacuole बाहर की तरफ खुलता है, ejection of undigested food takes place। जितना अमीबा ने लेना था ले लिया, और जो नहीं, अच्छा अभी आप अपने आप को लेकर के देखें, आप बहुत सरल तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मैं आपको 2 रोटी, 4 रोटी, 10 रोटी, 20 रोटी खिलाने लगूँ, एक लिमिट के बाद जब खाना आप अंदर नहीं ले पाएंगे, वो अनडाइजेस्ट होगा, तो चाहे वोमिट हो, चाहे मोशंस, लूज मोशंस हो, उसके जरिए वो आपकी बॉडी से कहीं ना कहीं बाहर आ जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इन अमीबा से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है। खास बात ये है कि होलोजोइक मोड है, तो सेम इसी प्रक्रिया से हम इंसानों में भी, हम पहले इंजेशन करते हैं, तब डाइजेशन करते हैं, तब एब्जॉर्प्शन करते हैं, तब एसिमिलेशन करते हैं, और तब इजेशन करते हैं। देखिए हम लोग क्या, हम लोग अब इसको भी हम लोग कहें, अगर बहुत अच्छे से अगर समझे तो हम अपने जो खाने पीने की शैली है, इससे हम लोग दो तीन तरीकों में बांट सकते हैं। या तो जीव हर्बीवोर्स हो सकते हैं, या तो जीव कार्निवोर्स हो सकते हैं, या तो ओमनीवोर्स हो सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये मतलब आपसे इस टॉपिक के बीच में इंटरप्ट करके बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, हम लोग मॉर्निंग के 6-7 बजे से उठ करके कंटिन्यूसली कोचिंग ट्यूशंस लेना, दिन भर भाग दौड़ करना, तो ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें बहुत थका देती हैं। लेकिन वो थकान हमारे शरीर को थका सकती है, हमारी इच्छाओं को नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं जब ये वीडियो यूट्यूब पे डालूँगा तो मेरी वीडियो को कितने लोग देखेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब इंसान को ये पता ना हो कि वो जो कर रहा है वो कितने लोगों तक पहुंचेगा, तो उसके करने का मकसद सिर्फ यही हो सकता है कि वो लोगों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। और मुझे पूरा विश्वास है एक ना एक दिन ये वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचेगा, और जिस समय पहुंचेगा तो उस समय जैसे देश में, दुनिया में आप लोग, आप सभी स्टूडेंट्स, आप रियली, आप भाई जैसे एक स्टूडेंट के लिए उसका टीचर हीरो होता है, तो इस वक्त आप हमारे व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट्स ही हमारे हीरो हैं, और हमारे हीरो ही हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। और फ्रेंड्स, चूंकि अब बोर्ड का सेशन चालू हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातें हैं, करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। सॉरी, बस आप लोग प्यार देते रहिए। तो अब हम ह्यूमंस की बात करें तो हम लोग ओमनीवोर्स हैं। देखिए हर्बीवोर्स जो हर्ब्स पे यानी कि प्लांट्स पे डिपेंड हो, कार्निवोर्स जो मांस पर डिपेंड हो, मीट पर डिपेंड हो, और ओमनीवोर जो समय आने पे कभी फूल पौधे भी खा लेता है और मीट मटन भी खा लेता है, उसे ओमनीवोर कहते हैं। तो आप जाहिर सी बात है कि हम लोग पौधे भी खाते हैं और एनिमल बेस्ड फूड भी खाते हैं, तो ऐसे में हम लोग ओमनीवोर्स हैं। थोड़े से हम लोग कॉम्प्लेक्स हैं, हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन का सिस्टम भी है। जाहिर सी बात है कि भाई देखिए, एक स्पेशलाइज्ड हो कि मैं यही खाता हूँ, तो हमारी बॉडी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या नाम है कि लाइक
बकरी को हम चिकन खिला दें और वो डाइजेस्ट कर ले, नहीं है। कई जीव होते हैं उनकी बॉडी ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देती है वो चीज़, वो खाएंगे नहीं। आपने एनिमल्स में ये चीज़ें बहुत अच्छे से देखी होगी कि वो सूंघ के कभी कभी छोड़ देते हैं, यानी वो चीज़ वो समझते हैं कि हमें क्या खाना क्या नहीं खाना है। लेकिन एकमात्र हम इंसान ही ऐसे इस चराचर जगत में ऐसे जीव हैं जिनको खाली पेट में क्या डालना है उनको आइडिया नहीं है, वो कुछ भी डाल लेंगे। ईटा पत्थर जो मन करे, मतलब ये मजाक जैसा, ईटा पत्थर का मतलब ये कि मतलब कुछ लोग सोचते ही नहीं है यार, मैं खा रहा हूँ कि खाना मुझे खा रहा हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि वो बस पेट भरना है, कुछ भी भर लो, इतना चावल ले लो, इतना रोटी ले लो, एकदम पेट भर दो, तो वो पेट भर रहे हैं लेकिन शरीर की जरूरत तो पूरी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब हमारे शरीर में इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है एलिमेंट्री कैनल है, ये एलिमेंट्री कैनल हो गया ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, और इसमें कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो साथ में फंक्शन करते हैं खाना को डाइजेस्ट करने में, ताकि हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिल सके। तो हमारी भी बॉडी में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इंजेशन होता है, चार स्टेजेस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन टेक प्लेस इन द एलिमेंट्री कैनल। देखिए, इंजेशन डाइजेशन मतलब चीज़ों को लेना, पचाना, उसको शोषण करना और उसको बाहर निकालना, ये पूरा पूरा प्रक्रिया जो होता है वो एलिमेंट्री कैनल में होता है, जबकि एसिमिलेशन जो होती है वो पूरी बॉडी में होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एसिमिलेट करने का मतलब ये भी तो हो सकता है फ्रेंड्स कि लाइक हमने कोई चीज़ बनाई और हम उस चीज़ को बनाएं, और जैसे मम्मा हैं, माता जी हमारी हैं किचन में, वो क्या करती है, वो खाना बनाती है, तो उनका खाना बनाने का एकमात्र मकसद क्या है कि वो खाना बनाती है एक जगह पर, और फिर क्या करती है कि घर में जितने लोग के खाने का समय हो गया, जो जो लोग भूखे हैं उन तक वो भोजन पहुँचाने का काम करती है ताकि उनकी भूख मिटाई जा सके। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में जब हम भोजन ले लेते हैं तो जब वो खाना हम अपने अंदर ले लेते हैं, जब उसका इंजेशन हो गया, जब उसका डाइजेशन हो गया, जब उसका एब्जॉर्प्शन हो गया कि उसमें से क्या क्या चीज़ें ली जा सकती क्या नहीं ली जा सकती, तो जो ली गई चीजें हैं उनको हमारी बॉडी के पूरे कंप्लीट एरिया तक उनको पहुंचाने का काम होता है, ताकि हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों को उनके काम करने के लिए ऊर्जा या ताकत मिल सके। अब हमारे डाइजेशन का बात करें तो ह्यूमन बींग टेक फूड थ्रू माउथ एंड देन इट पासेस थ्रू द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल वेयर फूड इज चोन्ड मिक्सड विद सोल्ट एंड एंजाइम्स फॉर द प्रॉपर ब्रेक डाउन, न्यूट्रिएंट्स आर देन एब्जॉर्ब एंड रिमेनिंग वेस्ट इज रिजेक्टेड आउट। ये लाइन बड़ा सिंपल सा है कि हमने भोजन लिया, माउथ के जरिए लिया, और ये एलिमेंट्री कैनल से हमारे माउथ से मतलब शुरू होता है और अंदर तक गया, वहाँ पे कुछ एंजाइम्स हैं जिनके साथ वो मिक्स हुआ, फूड जो था कॉम्प्लेक्स था उसको तोड़ा गया, चर्निंग हुई उसकी, और चर्निंग होने के बाद उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ, उसमें से रोटी से, चावल से, पनीर से, दूध से, दही से, मीन्स मीट से, मछली से, जो भी हमने खाया था उससे वो मतलब न्यूट्रिशन का मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ, मतलब उसको निकाला गया, और वहाँ से बाकी जो चीज़ें बेकार हो गई। जिस प्रकार से आपने कभी जूस की मशीन को देखा होगा, तो जूस की मशीन में क्या होता है, जूस निकल जाता है, और जो जूस जैसे जो चाहे वो मौसमी हो, चाहे सना अनार हो, चाहे संतरा हो, इन चीज़ों का वो जो होता है वो बाहर निकल जाता है, वेस्ट चीज़ है, बाकी जूस हम यूज़ कर लेते हैं। उसी प्रकार से हमारी बॉडी भी खाने पीने वाले चीज़ों को मतलब तोड़ती है, उसको अच्छे से डाइजेस्ट करती है और उसका बॉडी में यूज़ करती है, और जो चीज़ें रिमेनिंग होती हैं वो वेस्ट के तौर पे हमारे मल के ज़रिए, हमारे डिफिकेशन के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है। अब डाइजेशन का प्रोसेस देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली क्या क्या है, इसमें 6 पार्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले खाना लेना और उसको अंदर ले जाना, हमारे माउथ की ये एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी। यहाँ पे फूड हम क्या करते हैं, च्यू करते हैं, चबाते हैं, किसके हेल्प से, टिथ के। वो 2123/2123 वाला फॉर्मूला भी आपको टिथ का बता दिया जाएगा कि कभी कभी वो भी पूछ देता है। तो मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर और कैनाइन अलग अलग दांत हैं, किसी का काम खाने को चबाना है, किसी को पीसना है, किसी को काटना है, किसी को फाड़ना है, मतलब टीयरिंग, च्यूइंग, क्रशिंग, इस प्रकार से अलग अलग दांत के अलग अलग फंक्शन है। तो हमारी बकल कैविटी एरिया में दांत की मदद से पहले खाने को हम लोग चबाते हैं, और टंग का एक बहुत बड़ा रोल है, वो सलाइवा को मिक्स करता है जो फूड हमारे माउथ में होती है, ताकि उसका ब्रेकडाउन हो सके और खाने में नमी लाता है। अब हम रोटी लाएं, अगर अंदर में सलाइवा ना हो और सूखी रोटी, आपको आपने देखा होगा कभी कभी कहते हैं कि यार सूखी रोटी कैसे खाऊं, अंदर नहीं जा रहा है, तो सूखा चीज़ अंदर नहीं जाएगा, तो उसके लिए ऊपर वाले ने उसको गीला करने के लिए
सलाइवा पहले से ही दे रखा है, और ये सलाइवा खाने को गीला करता है, और टंग जो होता है वो खाने को एक जगह से दूसरे जगह तक अलग अलग दांत के एरिया तक उसको मूव करने में मदद करता है। खैर तो देखिए यहाँ से टंग अब क्या करता है कि सलाइवा मिक्स कर लिया, और उसके बाद क्या हुआ कि फूड का ब्रेकडाउन हो गया। अब यहाँ से ये फूड पाइप के जरिए अंदर में ओसोफेगस या फूड पाइप होता है, जहाँ से ये फूड धीरे 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 पुश किया जाएगा नीचे की तरफ। कहाँ जाएगा? स्टोमक में जाएगा, बाय द मूवमेंट ऑफ फूड पाइप। जैसे जैसे हमारा ये फूड पाइप या ओसोफेगस मूवमेंट करेगा, धीरे धीरे स्लो स्लोली 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 खाना हमारे मुंह से हमारे पेट तक, हमारे गले के रास्ते, हमारे भोजन नली के जरिए पहुंचेगा। जब ये पेट में पहुंचेगा तो वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस है जो कि स्टोमक के वॉल से सेक्रेट होती है। उस गैस्ट्रिक जूस की मदद से वो जो है भोजन वहाँ पर जो है उसको और फर्दर ब्रेकडाउन होगा। अब एक चीज़ और भी है कि आपको बता दिया जाए कि स्टोमक में पहले से ही HCL मौजूद होता है, और जो उसकी प्रोटेक्शनल लेयर होती है उसे म्यूकस कहते हैं। और ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स, ये जो HCL होता है उसका सबसे बड़ा फंक्शन है कि एक सुटेबल मीडियम क्रिएट करे ताकि सारे इंजाइम्स पेट में अच्छे से काम कर सकें। हम कह सकते हैं कि HCL हमारे घर का एक तरह से वो गेस्ट मैनेजमेंट वाला बंदा है जो जितने लोग आएंगे उनको प्रॉपर एटमोसफेयर दे, प्रॉपर माहौल दे कि ताकि उस माहौल में वो अच्छे से काम कर सके। तो ये एक तो हो गया उनका। अब क्या है कि वहाँ पर उसने माहौल बना दिया, अब ब्रेकडाउन हो गया। अब यहाँ से जो फूड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया कि इसमें सेमी सॉलिड फॉर्म में, अरे रोटी लिया मुंह में जब लिए थे तो पूरा सॉलिड ही था, धीरे यहाँ से कुछ गीला हुआ फिर अंदर गया, और यहाँ पे वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो करके और एकदम गीला हो गया और वो सेमी सॉलिड हो गया। ना वो लिक्विड है ना वह सॉलिड है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि खाना खाते वक्त आप कोई चीज़ चबाते रहते हैं और चबाते चबाते उसमें एक बाल आ गया, कंकड़ आ गया, आप थूकते हैं तो सेमी सॉलिड टाइप का हो जाता है, मतलब थोड़ा सा नरम हो जाता है, तो नरम हो गया। अब यहाँ से ये क्या होगा, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। यहाँ पे जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो विलाई के जरिए जो हमारा स्टोमक होता है, सॉरी हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें फिंगर लाइक ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं और खाना उसमें ऐसे ऐसे पास करता है, और पास करते वक्त मतलब जो महत्वपूर्ण चीज़ें उस भोजन से प्राप्त की जाती हैं उनको ये विलाई एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। और ये विलाई कैसे, ये विलाई का कनेक्शन मतलब चूंकि जाहिर सी बात ये भी एक प्रकार के नर्व्स हैं, तो ये वहाँ से हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सिस्टम हमारी नर्वस सिस्टम के जरिए पूरे बॉडी में ये ट्रांसफ़र हो जाता है वाया नर्व्स। और जाहिर सी बात है ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड में ही मिक्स होते हैं डेफिनेटली, इनकी रीच ज़्यादा है हमारी पूरी बॉडी में। आपको कहते हैं ना कि अभी अगर यहाँ पे हाथ पे एकदम कस के अगर जोर से रस्सी बांध दी जाए और 2 मिनट तक छोड़ दिया जाए तो आप अपने फिंगर का सही से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी होता है और फूड न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों को अच्छे से काम करने में मदद करते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ एब्जॉर्बिश जो भी एब्जॉर्ब होना था एब्जॉर्ब हो गया। अब यहाँ से ये पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया ब्लड वेसल्स के जरिए। रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन ने मान लिया कि अभी मेरे काम लायक नहीं है तो इसको वो ले गया लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से जो उस भोजन जो भी अंदर गया उसमें के जो एक्सेस वाटर है और जो सॉल्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट में से। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो उस भोजन में से दो चीज़ें लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है, उसमें अधिक जो पानी होता है उसको और जो नमक होता है उसको। अब एंड में क्या होता है कि फाइनली ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये हमारे एनस के जरिए हमारे लेट्रिन के रास्ते बाहर आ जाता है, और जो एबक पार्ट जो होते हैं ये एक प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरऑल वर्क करती है। फ्रेंड्स अगला देखिए, चूंकि फिर इस समय में आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी लंबी वीडियोस वगैरह हम देख करके हमारा क्या होने वाला है, तो मेरा जवाब यही है कि एक अगर आपके सामने अगर घंटे दो घंटे की अगर एक वीडियो ला करके रख दी जाती है, और हम लोग इसको पार्ट में भी बना सकते हैं, हम चाहे इसको पार्ट में भी बना सकते हैं, मैं इसको दोनों तरीके से आपको यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, इवन एक सिर्फ न्यूट्रिशन में जिसमें आप डाइजेशन इन अमीबा एंड डाइजेशन इन ह्यूमन बींग, और फिर
इसके बाद इसमें कुछ डिटेल में, ताकि किसी भी तरह से घुमा के अगर आपसे क्वेश्चन आए तो आप डेफिनेटली कर सकें। और इसी चैनल पे आपको मिलेगा हर एक चैप्टर का पिछले 10 से 15 सालों में पूछा गया एक एक क्वेश्चन का सेट। हम लोग एक एक करके उसको वन बाय वन लाइव क्लास में आएंगे और सॉल्व करेंगे। इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और लोगों को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें डेफिनेटली, क्योंकि जीवन में मैं ये तो नहीं कह सकता कि पैसा सब कुछ होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ तो होता ही है। और हम सभी लोग अपने जीवन में एक स्थायी तो चाहते हैं, और उसी एक स्थायी होने की कामना से और अपनी रीच अपने शहर से देश में दुनिया में अपने बच्चों को आगे देखने की कामना में, जाहिर सी बात है अगर अर्जुन न होता तो कोई द्रोणाचार्य को नहीं जानता, अगर आप नहीं होंगे तो कोई सुमित सर को नहीं जानेगा। इसलिए विज्ञान का ज्ञान और सुमित ये दोनों ही आपके आधार पर, आपके विश्वास पर ही हैं कि आप लोग हमें जितना प्यार देंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स। और बिल्कुल आप मुझे मेरे चेहरे को देख के बिल्कुल होपलेस ना हो कि सर बहुत ये हो रहा वो हो रहा, क्लास में लोग कैसे पढ़ाते हैं, आई डोंट नो, बट हाँ ये तरीका था। आप वीडियो को इन सभी स्लाइड्स को इस तरीके से मैंने पहली बार ट्राई किया है, क्योंकि मैं, आपने देखा भी होगा चैनल पे कि मैं ज़्यादातर वो टीवी पे ही मैं पढ़ा लेता हूँ और बोर्ड्स वगैरह पढ़ाता हूँ। तो ऐसे में इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मेरा कंटेंट आपके सामने बिल्कुल अच्छे से जाए। अगर आपको मेरा यह तरीका पसंद हो और इस तरीके से अगर आप मुझसे पढ़ना चाहें तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि जब मैं आपको चीज़ें क्लियर करूँ। तो डाइजेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये डाइजेशन हो गया। अब एलिमेंट्री कैनाल को इंडिविजुअली जानते हैं, हालांकि बोर्ड के लिहाज से ज़रूरी नहीं है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एलिमेंट्री कैनल इन ह्यूमन इज अ लॉन्ग ट्यूब वेरिंग डायमीटर, इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स विद द यूनस, एनस, माउथ से शुरू होने वाली एक लॉन्ग ट्यूब। ये ट्यूब कहाँ तक जाती है? हमारे लैट्रिन वाले रास्ते तक, जिसे हम एनस कहते हैं, वहां तक। फ्रॉम माउथ टू एनस एक लॉन्ग ट्यूब है जिसे हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, जिसमें ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे एलिमेंट्री कैनल के पार्ट हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में ये स्टोमक, ये ओसोफेगस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनल के पार्ट है। हालांकि आप ये कहेंगे कि गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज का क्या है, तो आपको पता है स्पेशलाइज्ड है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा डेफिनेटली है, लेकिन एलिमेंट्री कैनल के हिस्से के तौर पे इन्हीं चीज़ों को देखा जाता है, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यही है। नेक्स्ट माउथ की बात करें, अगर हम माउथ का फोटो आपके सामने दिया हुआ, ये डायग्राम बहुत अच्छे से चीज़ों को आपको बताने का काम करेगा, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अब ये डायग्राम आपको इम्प्रेस करने के लिए हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसमें जो माउथ क्या है, ओपनिंग एलिमेंट्री कैनल का, और ये फूड को इंजेस्ट करने में मदद करता है। बकल कैविटी जो होता है विच इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ, माउथ के जस्ट पीछे, इज ऑल्सो कॉमनली रेफर्ड टू एज माउथ, इसके अंदर वाले हिस्से को मुंह कहते हैं, अंदर में मुंह है। अच्छा, इस बकल कैविटी में दो चीज़ें हैं, हमारे दांत और हमारी जीभ, टीथ और टंग। तो सेट ऑफ टीथ हेल्प इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड, मतलब अलग अलग सेट है। मेस्टिकेशन मतलब करना, मतलब भोजन को, मतलब तोड़ने मरोड़ने में, उसको पीसने में, काटने में, फाड़ने में, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करके सिंप्लीफाई करने में मदद करते हैं हमारे दांत। दांत ना हो तो आपने, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक 3, 4, 6 महीने, 7 महीने के बच्चे को आप या अंगूर या किशमिश या कुछ ऐसी चीज़ें उसके मुंह में डाल दीजिए और आप देखना चाहते हैं कि दांत का कितना बड़ा यूज़ है, तो आप सुबह में साफ साफ दिख ही जाता है। मैं तो देखा भी हूँ कई बार, बच्चे छोटे छोटे हैं तो कभी कभी साफ करते वक्त वो भी अनुभव मिल जाता है। तो ये अच्छा है, और ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी वैसा नहीं है या करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बात मैं आपको मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम उसको अवॉइड करें फिर भी वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बीमार होने पे डॉक्टर डेफिनेटली यूरिन, ब्लड और स्टूल का सैंपल लेते ही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टंग का काम क्या है? टंग के पास टेस्ट बड्स होते हैं और भोजन का स्वाद लेने में मदद करती है। हालांकि नाक का खुला होना भी ज़रूरी है, बंद नाक के साथ आप चीज़ों का स्वाद सही से नहीं ले पाएंगे, इसलिए जब आपको जुकाम होता है तो आपके भोजन का टेस्ट बदल जाता है। आप सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं अगर फ्रेंड्स, तो सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ये भी
बकल कैविटी में ही ओपन होता है इधर से, और ये यहाँ से सलाइवा निकल के आती है और डाइजेशन को इनिशिएट करने में, शुरुआत करने में मदद करती है। भाई टीथ की बात करें फ्रेंड्स, ये देखिए टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। हमारे माउथ में टीथ जो होते हैं एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ये कट करने में, शेयर करने में, मेस्टिकेट करने में, मतलब कट मतलब काटना, शेयर मतलब फाड़ना, मेस्टिकेट मतलब उसको पीसना उसना करने में मदद करते हैं। वर्टिकल सेक्शन ऑफ टीथ शोज फोर लेयर। हमारे अगर वर्टिकली दांत को देखा जाए तो चार लेयर है, इनेमल है, डेंटाइन है, सीमेंट है एंड डेंटल पल्प है दांत के अंदर में। ये थोड़ा हाई क्लास है, उसमें सीबीएसई के अकॉर्डिंग अभी नहीं होता ना डीप में, लेकिन फिर भी स्लाइड में आपको हमने बता दिया। इनेमल क्या, आउटर मोस्ट है, साइनी है, हमारे दांत ही चमक रहा है, तो जो चमक रहा है वही आपको इनेमल के तौर पे दिख सकता है, और ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट माना जाता है। आप डेंटाइन की बात करें, मेक्स द बल्क ऑफ टूथ एंड कंटेन्स 70% इनऑर्गेनिक सॉल्ट। डेंटाइन जो होता है दांत का लगभग बल्क का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है डेंटाइन, इसमें 70% इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। सीमेंट यहाँ इस जड़ों के पास में होता है, ये लाइनिंग ऑफ टूथ, जहाँ टूथ की लाइनिंग होती है सीमेंट होती है, और एक बोनी सॉकेट होता है। आप ये अभी अपने दांत के नीचे टच करेंगे तो हड्डी जैसा, ये जो आप जॉ के पास में देखते हैं तो यहाँ पे एक बोनी सॉकेट होता है, वहीं पर उस लाइनिंग में सीमेंट मौजूद होता है। और डेंटल पल्प की बात करें तो ये सॉफ्ट पार्ट होता है सेंट्रल पार्ट में टूथ में, और इसमें नर्व एंडिंग्स होती हैं, और यही जब पल्प आपका डैमेज हो जाता है तो सेंसिटिव हो जाती है दांत कैविटी की वजह से, फिर ठंडा पानी गर्म पानी लगना और फिर सेंसोडाइन का ऐड होना। सेंसोडाइन के ऐड में तो आप देखते ही होंगे ज़्यादा ही होता है, वर्क नहीं करता है कभी कभी वो। खैर तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दांत जो होते हैं चार टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, और सबका अपना अपना फंक्शन है। इंसीजर कट करता है फूड को, केनाइन जो होता है टीयर करता है, मोलर और प्रीमोलर जो होते हैं उसको क्रश करते हैं। ये वाला हिस्सा मोलर प्रीमोलर जो होता है उसको क्रश करता है, मतलब पीसने का काम करता है। और जहाँ तक की बात करें इंसीजर की और केनाइन की, ये इंसीजर और केनाइन वाला हिस्सा ये खाना को काटने फाड़ने में मदद करता है। खैर तो डेंटल फॉर्मूला एडल्ट ह्यूमंस में 2123 है, जबकि बच्चों में 2102 है। तो सिंपल सी बात है, बच्चों में 20 और हमें 32 दांत देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट अब ऑसोफेगस की बात करें तो फ्रेंड्स, वन बाय वन करके मैंने इस स्लाइड में सारी चीज़ों को इंडिविजुअली इसलिए बता दिया कि आप एक एक चीज़ को आप स्क्रीनशॉट मार के भी आप वन बाय वन पढ़ सकते हैं, और ये जानकारी के लिए। कई बार आपसे साइज पूछ देगा, लार्ज इंटेस्टाइन साइज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है? तो ये इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर काम किया है, उम्मीद है आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। द स्वेलोड फूड जो होता है हमारे ऑसोफेगस की, इसकी बात करें फूड पाइप की, स्वेलोड फूड पासेज इन टू द ऑसोफेगस, इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब, यानी कि एक मांस की ट्यूब है जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, विद अ स्पिंचर वाल्व ओपनिंग एट ईच एंड। यहाँ पे स्पिंचर वाल्व है जो मतलब प्रत्येक मतलब हिस्से पे ईच एंड पर वो वाल्व जो होता है वो ओपन क्लोज होता है। डेफिनेटली आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारा विंड पाइप और फूड पाइप ऑलमोस्ट एक ही जगह पे है, तो कहीं ना कहीं एपिग्लोटिस का वर्क होता है कि उसको कहीं ना कहीं ढकने का काम करता है, वरना अगर एक हिस्सा अगर ढका हुआ नहीं है तो कभी कभी आपको खाने में ठास लग जाती है, आपने देखा होगा। तो इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड आफ्टर बीइंग स्वेलोड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक, फूड इज पास डाउन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और पेरिस्टालसिस से रिलेटेड तो क्वेश्चन भाई बहुत पूछते हैं, उसमें कोई दिक्कत। पेरिस्टालसिस सिंपल आप बता सकते हैं कि द कॉन्टीन्यूअस स्लो एंड कॉन्टीन्यूअस मूवमेंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल फ्रॉम माउथ टू स्टोमक विद द हेल्प ऑफ ऑसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टालसिस, एंड द मूवमेंट डन बाय द फूड पाइप इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नाउ स्टोमक की बात करें फ्रेंड्स, ये एक थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और यह जो है ऑसोफेगस से भोजन को प्राप्त करता है एट वन एंड एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन ऑन अदर एंड। आप देख रहे हैं डायग्राम में दो पाइप है, तो जाहिर सी बात है एक जो है ये फूड पाइप है और दूसरा ये जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाता है। फूड इज चर्न इनटू अ सेमी सॉलिड मास इन द स्टोमक एंड इज कॉल्ड काइम। तो काइम की बात करें, आपसे कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज काइम, तो काइम बोलेंगे कि जब भोजन जो होता है उसको सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया जाता है पेट के अंदर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। अब यही काइम आगे बढ़ता है, एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन द फूड,
मतलब गैस्ट्रिक जूस में जो जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड की ब्रेक डाउन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है पार्शियल डाइजेशन करता है प्रोटीन का, ऑल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, मतलब पार्शियल मतलब माइनर। और म्यूकस सेक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ स्टोमक रेसिस्ट द एक्शन ऑफ एसीएल ऑन इटसेल्फ। तो म्यूकस का मेन काम जो होता है कि एसीएल का कोई एडवर्स इफेक्ट स्टोमक पे ना पड़े, उसके लिए होता है। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, अबाउट 20 फीट लॉन्ग इन ह्यूमंस, 20 फीट लंबा है। हम खुद 5-6 फीट के हैं। बस इससे अंदाज लगा लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर बाहर ला के खोल के रख दिया जाए तो हमारे जैसे 4 लोग खड़े हो जाएंगे उसकी बराबरी की, 20 फीट का उसकी लंबाई होती है। अब सवाल ये है कि स्मॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि स्मॉल का मतलब ये है कि बहुत स्मॉल एरिया में क्वाइल टाइप में ये रहता है, इसलिए इसको स्मॉल कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा इसलिए कहा जाता है कि उसका आप देखेंगे कि उसका सर्फेस एरिया या डायमीटर जो है वो ज़्यादा है। तो इसके पास रीज़न होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूओडेनम होता है, ये रीजन जो होता है विच फॉलोज स्टोमक, जो स्टोमक को फॉलो करता है। जिजनम इज द मिडिल पार्ट, मतलब इसी स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं जिजनम, मिडिल पार्ट होता है। और इलियम जो होता है लेटर रीजन होता है विच कॉन्स्टिट्यूट फर्दर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसमें 3 लेयर होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। मतलब जो स्टोमक को फॉलो करने वाला एरिया होता है उसको डियोडेनम पढ़ते हैं कहते हैं, और जो मिडिल पार्ट होता है उसको जेजेनम कहते हैं, और जो लास्ट वाला था उसको इलियम कहते हैं। अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में मिल गया। द इंटरनल सर्फेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। विलाई मतलब जो इंटरनल सर्फेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की जो ट्यूब जैसी होती है, पाइप जैसी होती है, उसके अंदर में ढेर सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। अब कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम पेनक्रियाज एंड लीवर ओपन इन टू ड्यूओडेनम। अब क्या होता है कि कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट, मतलब डक्ट का मतलब ट्यूब हो गया, एक कॉमन ट्यूब है जो पेनक्रियाज से निकला, ठीक है, एंड लीवर से निकला, ओपन इन टू ड्यूओडेनम। अब ये ड्यूओडेनम कहाँ हमारा है, तो जहाँ पे स्टोमक से वो ओपन हुआ उसी एरिया में, यानी फर्स्ट एरिया में, एकदम स्टार्टिंग एरिया, बिगिनिंग एरिया, जहाँ से स्मॉल स्टोमक का मिलन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस फर्स्ट पोर्शन को हम लोग प्राइमरी जो फर्स्ट पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूओडेनम में। तो ये मतलब पेनक्रियाटिक डक्ट जो होता है पेनक्रियाज लिवर का, वो ये ड्यूओडेनम में मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मोस्ट ऑफ द क्या 100% डाइजेशन यही होता है। अब आते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें। द लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन इज अबाउट 5 फीट लॉन्ग। तो ये तो क्लियर है कि ये 5 फीट है और वो 20 फीट है। तो लार्ज और स्मॉल से बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट नहीं समझना। लार्ज मतलब लार्ज, स्मॉल का मतलब छोटा पतला, यहाँ पे वो बात है। इट हैज़ 2 रीजंस। लार्ज इंटेस्टाइन में 2 रीजंस होते हैं, एक कॉलन होता है और एक रेक्टम होता है। कॉलन जो होता है वो 1.5 मीटर लंबा होता है, और रेक्टम जो होता है वो 10 सेंटीमीटर लेंथ होता है हम लोगों के, हम एडल्ट्स के अंदर में। द रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर इलियम, इलियम चूंकि अंतिम एरिया था, इज कॉल्ड कोलॉन। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में वो एरिया जो इलियम के बाद था उसे हम कोलॉन कहते हैं, वेल द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड रेक्टम। कोलॉन से शुरुआत होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, मतलब वहाँ पर शुरुआत हुआ। द रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर इलियम इज कॉल्ड कोलॉन। इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का वो हिस्सा जो इलियम के बाद आता है उसे कोलॉन कहते हैं, और ये कोलॉन खत्म का होता है रेक्टम पे जाकर। अब कोलॉन के पास भी 3 रीजन है, क्लास टेंथ के हिसाब से थोड़ा सा है, ज़्यादा है, बट काम का है, काम आएगा आपके। एसेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन। एट द बेस ऑफ एसेंडिंग कोलॉन ए स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ एंड सीन आर कॉल्ड अपेंडिक्स। और जो ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ या ऐसी कोई भी चीज़ आप सुनते हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो ये जो बेस होता है एसेंडिंग कोलॉन का, मतलब एसेंडिंग कोलॉन डिसेंडिंग कोलॉन अब आपको समझ ही गए होंगे। अब देखिए एसेंडिंग कोलॉन के पास में बेस जो होता है स्मॉल फिंगर लाइक एक ग्रोथ होता है, अब डायग्राम में अभी आपको दिखा भी दूंगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। इन हाउसेस मेनी यूजफुल बैक्टीरिया रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन। रेक्टम ओपन्स आउटसाइड बाय एनस। अब ये रेक्टम जो होता है वो बाहर खुलता है एनस, और एनस जो होता है इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्पिंचर होते हैं, और ये स्पिंचर स्टूल को पास करने में मदद करते हैं। और कभी कभी कड़ी सोच की वजह से या कड़ी लैटिन होने की वजह से ये स्पिंचर्स डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी बीमारियां हमारे सामने आती हैं, और पेरिस्टाइलिस वही है फ्रेंड्स। तो ये ओवरऑल मुझे लगता है कि एंटायर आपका मतलब एक पूरा आपको बताएगा कि हाँ ये एक पूरा टॉपिक है। इसके अंतर्गत कुछ बात करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव
ग्लैंड्स की भी बात करें, अगर जल्दी जल्दी अगर हम बात करते हैं तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, ये सब नाम है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा मतलब सिक्रीट करता है और ये इनिशिएट करता है डाइजेशन को माउथ में। गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो ये स्टोमक के वॉल में प्रेजेंट होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नाम का एंजाइम सिक्रीट करता है। लीवर की बात करें तो पता ही है आपको, बाइल जूस सिक्रीट करता है और ये गॉल ब्लैडर में होता है, और बाइल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, और यही जो फैट को डाइजेशन करना है। तो कुल मिलाकर के आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, अगर हमारे लीवर से बाइल अच्छे से सिक्रीट नहीं होगी, तो हमारी बॉडी में फैट का डाइजेशन नहीं होगा, मतलब वो ऑयली चीज़ हम एक जरा सा एक पूड़ी भी नहीं खा पाएंगे, मतलब एक छोटा सा कुछ भी नहीं तला भुना हुआ चीज। तो पेनक्रियास सिक्रेट्स मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसका मेन सिक्रेशन पेनक्रियाटिक जूस है। इसी तरह से एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेस, अमाइलेज आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस। आप अंदाज लगा सकते हैं कि पेनक्रिया से जो पेनक्रियाटिक जूस निकलती है, उस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर में ट्रिप्सिन भी होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, अमाइलेज होता है, तमाम बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अब बात करें ब्रो फ्रेंड्स हम लोग पेनक्रियाज की, तो पेनक्रियाज जो होता है एक लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड प्रेजेंट है हमारे स्टोमक के पीछे में, बिहाइंड में, और ये सबसे बड़े डाइजेस्टिव ग्लैंड के तौर पे जाना जाता है। मिक्स नेचर होता है, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों है। इंडोक्राइन का मतलब होता है, मतलब जो डक्टलेस होते हैं जैसे जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और एक्सोक्राइन जिनके साथ आपका डक्ट होता है यानी कि ट्यूब होता है। तो ये इनका दोनों नेचर है, क्योंकि यही पेनक्रियाज इंसुलिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जो हमारे ब्लड में डायरेक्ट मिल जाती है और ब्लड शुगर लेवल को एडजस्ट करने का काम करती है। एट द सेम टाइम यही पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस, जो कि बाद में पेप्सिन ट्रिप्सिन आपने तमाम चीज़ें सुनी देखा, उसको सिक्रेट करती है। एज जब ये इंडोक्राइन ग्लैंड होता है तो ये दो हार्मोन बेसिकली सेपरेट करेगा, इंसुलिन और ग्लूकागोन, जो कि हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगी। और जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब समझ के, वो ग्लैंड जो स्पेशली हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, वो उनका कोई ट्यूब वगैरह नहीं होता, वो डायरेक्टली ब्लड में ही चीज़ों को सेक्रेट कर देती हैं, तो उन्हें हम इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और जिन्हें किसी ट्यूब या किसी पाइप की ज़रूरत है अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसे वो क्या करेंगे, डेफिनेटली वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएंगे। खैर, तो अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो पेनक्रियाज के द्वारा सेक्रेट होते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन और प्रोटीएजेस, इसमें से चीज़ें जो होती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होती हैं वो सेक्रेट होती हैं, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती हैं। बेसिकली आप बच्चों बिल्कुल परेशान ना हो, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप ट्रिप्सिन से आप प्रोटीन को डाइजेस्टिव एंजाइम बता सकते हैं, काफ़ी है आपके लिए क्लास टेंथ के लिए। इसके पास अमाइलेज भी होता है, जो जो स्टार्च कंटेंट होता है फूड के अंदर में, जो स्टार्च की मात्रा होती है उसको भी ये करता है। याद रखिएगा, आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि पेनक्रियाज बहुत 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 इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में, और जाहिर सी बात है कि ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन और प्रोटीएजेस जो होते हैं वो न सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारे शरीर का जो वो क्या कहते हैं जो एक एनर्जी लेवल होती है वो उस तरह की नहीं रहेगी। तो पेनक्रियाटिक जो लाइपेज की बात करें तो ये पेनक्रियाटिक एंजाइम है जो डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। आगे हम बात करें फ्रेंड्स फिजियोलॉजी, हालांकि बहुत वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ये चीज़ें कई बार रिपीट हो चुकी हैं, एक्चुअली स्लाइड अभी आप कह सकते हैं कि उतना एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो अभी हम लोगों को सीखना है, कि काफ़ी चीज़ें मतलब इतने डेप्थ में चीज़ें हैं तो लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो हर एक चीज़ को इतना डीपली सीखें। ये सब चीज़ें आपसे मैं एक स्लाइड आपको दे दे रहा हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आप एक स्क्रीनशॉट मारेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है इसमें, कि जैसे कि जो जो गैस्ट्रिक एसिड होता है हमारी बॉडी में, उसका जो पीएच होता है वो 1.5 से लेकर के 3.5 पर एग्जिस्ट करता है,